कहाँ है मास्क? अभी मास्क पहन रहे हैं, अभी पहन रहे हैं। हाँ बाजार घूमिए तब मास्क पहन रहे, क्या करेंगे? देखिए वहाँ उन लोग अभी भी पहना, तुरंत वो लाइन पहनेगा, तुम भी नहीं पहनोगे ना? पहनेंगे कहे ना पहनेंगे भैया, मास्क पहनोगे। भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ने मॉल, पार्क, मैदान, धर्मस्थल को बंद किया है, लेकिन बाजारों पर अभी पाबंदी नहीं है। लेकिन लोगों को समझना जरूरी है कि वो मास्क पहनेंगे तभी कोरोना से बचना संभव है। बावजूद इसके लोग जो हैं बगैर मास्क के घूम रहे हैं, छात्र जा रहे हैं। मास्क कहाँ है आपका? पहन रहे हैं। मास्क कहाँ है? अभी तो पहने जेब में, जेब में रखने से होगा। देखिए स्थिति देख लीजिए, जेब में मास्क रखे हुए हैं, इतनी खराब स्थिति है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 23 कोरोना मरीज कल भी मिले हैं। मास्क कहाँ है चाचा? मास्क पॉकेट में सर, अभी मास्क पॉकेट में रहता है। अरे भैया चक्कर आ रहा था इसलिए हम खोल दिए। मास्क पहने चक्कर आने लगता है? लगाते हैं ना कभी कभी, सांस ले। ठीक है, फिर कोरोना भी हो जाएगा। स्थिति बहुत खराब है। देखिए पहनेंगे नहीं मास्क और इनको चक्कर आता है, अगर कोरोना हो जाए तो फिर क्या हालात होंगे, क्या स्थिति होगी? भैया मास्क आपका? भैया मास्क है पॉकेट, मास्क पॉकेट में, सबके पॉकेट में मास्क। क्या कर रहे हैं? मास्क है, देखिए पॉकेट में मास्क है, पॉकेट ही जो मास्क है वो पॉकेट से कोरोना बच जाएंगे ये लोग। स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है। पूरे बिहार की बात करें तो कल भी 1600 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। भागलपुर में 4 दिन पहले जहाँ 2 मरीज मिले थे वहाँ 23 मरीज हैं। मायागंज अस्पताल की बात करें तो सभी डॉक्टर जो हैं कोरोना पॉजिटिव, लगभग डॉक्टर हो चुके हैं, कई चिकित्सा कर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं, बावजूद लोग जो हैं धड़ल्ले से बगैर मास्क के घूम रहे हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह होती जा रही है। पूरे बिहार में सरकार ने कुछ जो है जगहों पर पाबंदी लगाई है लेकिन बाजारों में पाबंदी नहीं है। लेकिन लोगों को जिस तरह से समझ, मास्क कहाँ चाहती आप? इससे बचिएगा नहीं सही, मास्क लगाना जरूरी है ना? हाँ जरूरी है, बाजार आ रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे। ठीक है, लगा लेंगे, लगा लेंगे बिल्कुल, बाद में लगा लेंगे, जब कोरोना हो जाएगा तब लगा लेंगे। स्थिति लोगों की यही देखने को मिल रही है लगातार। मास्क कहाँ भैया आपका? हाँ मास्क भूल गया हूँ मैं। कहाँ भूल गए? भूल गया। कल से लगाना स्टार्ट कर देंगे। कल से लगाइएगा? कल से, आज कोरोना ना हो रहा है, कल से मास्क लगाएंगे क्योंकि आज कोरोना है ही नहीं। स्थिति देख लीजिए यहाँ पर, बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग को भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए, जो सीनियर हैं उसे तो समझना चाहिए कि किस कदर कोरोना लोगों पर हावी है। ये तीसरी बार है जब कोरोना की जो संख्या में, मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोलने पर कहते हैं कि मास्क पहन लेंगे या फिर पॉकेट में। अगर यही हालात रहे तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का जो रफ्तार है और बढ़ेगा और जो ये स्थिति जो है लॉकडाउन लगने की कगार पर हो जाएगी। अश्वनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।